इनफार्मर्स लास्ट एक हफ्ते से फेच एआई कॉन्टिन्यूस राइज पे है और एक हफ्ते के अंदर अंदर ही वो 120% के रिटर्न्स दे चुका है। फेच एआई अपने ऑल टाइम हाई पे है और अगर हम इसके वीकली चार्ट्स पे भी एक्सपैंड करेंगे तो आप शायद इसके रिटर्न्स अभी इमेजिन नहीं करने वाले हो। अगर हम इसके रिटर्न्स अक्टूबर और नवंबर से कैलकुलेट करते हैं जब से वो बिटकॉइन ETFs का क्रेज आया था, तो आप खुद यहाँ पर रिजल्ट्स देखकर हैरान रह जाओगे। 5,350% के रिटर्न्स, मतलब आपने शायद अक्टूबर नवंबर में गलती से भी 1,00,000 रुपए के फेच एआई खरीद लिए होते तो जी 0.5 CR तो आपके पॉकेट में होते ना बहुत इजीली। चलो एनीवेज, अभी फेच एआई अपने ऑल टाइम हाई पे है। आज के एपिसोड का हमारा ये फोकस रहने वाला है कि फेच एआई इतना कंटिन्यूअस राइज क्यों करने वाला है और डेफिनेटली 2024 के बुल रन में एआई वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल होने वाला है नरेटिव। तो अगर एआई का इतना ज्यादा बूम है, फेच एआई एक एआई कॉइन है, तो इसके फंडामेंटल्स पे भी लुक करने वाले हैं और साथ ही साथ इसका टेक्निकल एनालिसिस भी देखने वाला है। तो अगर एआई कॉइन्स में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, फेच एआई में आपकी नजर थी, तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देख रहे हो, और अगर नजर नहीं भी थी तो ये वीडियो तब भी देख लेना, क्या पता कोई अच्छा यहाँ पर जेम ही आपको मिल जाए। तो फेच एआई मैंने बताया था कि अपने ऑल टाइम हाई पर अभी ट्रेड हो रहा है, इतना इसने कभी भी ब्रेक नहीं करा। इसकी जो एक मेजर रेजिस्टेंस थी वो $1 की रेंज में थी, $1 को इसने अभी ब्रेक करा है यहाँ पर, फेब्रवरी के मंथ में ही उसने ब्रेक करा है, अभी शायद आधा महीना ही हुआ है उसको अपने ऑल टाइम हाई ब्रेक करे, और वहां से भी वो डबल से ज्यादा इंक्रीज कर चुका है। ठीक है, डबल से ज्यादा इंक्रीज कर चुका है, दैट इज ओके, क्योंकि अभी भी मैं बात कर रहा हूँ शायद अभी भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और आप शायद बिलीव नहीं करोगे, मैंने फेच एआई लाइफ में पहली बार कितने रुपए का खरीदा था, 1.1 रुपीज का। ये मैं बात कर रहा हूँ 2018 के मार्केट क्रैश की, मैंने उस टाइम फेच एआई कॉइन खरीदा था 1.1 रुपीज में। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग जो थी वो 6 से 7 रुपए में कर दी होती, मतलब अगर मैं वो शायद 1 रुपए में करी हुई परचेजिंग आज की डेट में होल्ड करके रखता तो शायद मेरे कुछ लाख रुपए ही करोड़ों रुपए बन चुके होते, बट डेफिनेटली मैंने नहीं रखा, मैंने 6 से 7 में बुक कर दिया था। फेच एआई पे मेरी नज़र थी, मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाला था, एंड जब तक मेरा मूड बना तब तक इसका पंप एकदम से आ गया। तो ये एकदम से पंप आया क्यों, उस पर जाने से पहले फेच एआई है क्या, दैट इज बिल्ड डिप्लॉय एंड मोनेटाइज एआई सर्विसेज, एप्स, मार्केट प्लेसेस, बहुत जगहों पे यूज हो सकते हैं। अगर नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो जो इसके मैं कहूँगा इंटीग्रेशन है वो कहाँ कहाँ पर है, डिस्कॉर्ड पे भी है, ओपन एआई मतलब चैट जीपीटी और चैट जीपीटी से रिलेटेड जितने भी उसके और भी एआई टूल्स हैं वहाँ पे भी, याहू फाइनेंस, व्हाट्सएप, गूगल कैलेंडर और भी काफ़ी जगहों पर। तो अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन की बात करूँ तो डिस्कॉर्ड, व्हाट्सएप, दो ऐसे प्लेटफॉर्म जिसपे ऑडियंस भर भर के है, ठीक है, दैट्स गुड। लेकिन अब फेच एआई का प्राइस इतना बड़ा क्यों, दैट इज फेच एआई ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करी और जो कि माइनर्स को भी अफेक्ट करने वाले है, तो इसलिए वीडियो अभी भी नहीं छोड़नी अगर माइनिंग भी करते हो। तो फेच एआई अनाउंसेस जीपीयू रिवॉर्ड्स फॉर टोकन होल्डर्स आफ्टर 100 मिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। और यहीं भी एक चीज़ और रिवील कर देता हूँ, अगर वीडियो में यहाँ तक पहुँचोगे तो एक तरीका भी बताने वाला हूँ, अगर आपके पास फेच एआई की होल्डिंग्स है तो कैसे आप उन्हीं होल्डिंग्स के थ्रू कुछ एक्स्ट्रा बिटकॉइंस कमा सकते हो। मजाक नहीं कर रहा, आई एम वेरी सीरियस। एनीवेज, अब नीचे चलते हैं। बेसिकली फेच एआई क्या करने वाला है, दैट इज गोइंग टू सर्वर सेक्टर। सर्वर सेक्टर्स में आपके पास सीपीयू और ग्राफिक कार्ड्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। ये 3 कैटेगरी के ग्राफिक कार्ड्स डिप्लॉय करने वाला है, H200, H100 और A100। H100 और H200 रिटेल यूजर्स के लिए है ही नहीं, और वो द मोस्ट पावरफुल ग्राफिक कार्ड्स हैं अब तक NVIDIA से भी। एंड अगर आप माइनिंग एफिशिएंसी की बात करो तो वो दो ग्राफिक कार्ड ASIC माइनर से भी ज़्यादा एफिशिएंसी रखते हैं आपके नॉर्मल क्रिप्टो एल्गोरिथम्स पे। तो ये दो ग्राफिक कार्ड जो रिटेल यूजर्स के लिए अवेलेबल नहीं है, हम कैसे इनका यूज करके क्रिप्टोज भी माइन कर सकते हैं, अगर आप फेच एआई टोकन होल्डर हो और अपने फेच एआई के टोकन्स फेच एआई की प्लेटफॉर्म पर जाके स्टेक कर दो, तो आपको जीपीयू क्रेडिट्स मिलेंगे। अब जीपीयू क्रेडिट्स का आप यूज़ कैसे कर सकते हो, उन जीपीयू क्रेडिट्स को आप यूज़ कर सकते हो एक सर्वर रेंट पे लेने के लिए, जिसमें H100, H200, A100 आप सिलेक्ट कर सकते हो, और रेंट पर लेने के बाद आपके पास सर्वर है तो आप उस सर्वर से माइनिंग क्यों नहीं कर रहे। हाँ, अब मुझे एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगर मेरे पास वो सर्वर्स आएंगे,
हालांकि मेरे पास फेच टोकन्स है नहीं, ठीक है, लेकिन अगर होते तो मैं उस पर माइनिंग डेफिनेटली करने वाला था। अब जो मैं एक चीज़ स्पेक्यूलेट कर रहा हूँ कि सिंस टोकन होल्डर्स के लिए तो उन्हें माइनिंग बैन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द सर्वर्स पे आपकी माइनिंग बैन है। तो बस यही एक चीज़ जो है मुझे चेक करनी है, क्या इस पर हम माइनिंग कर सकते हैं या फिर नहीं। बट फेच टोकन होल्डर्स के लिए सबसे बड़ी अनाउंसमेंट कैसे हुई कि अगर उनके पास वो GPU क्रेडिट्स आ रहे हैं, वो हो सकता है उसको आगे सेल आउट करने वाले हैं, हो सकता है आपके पास $100 के क्रेडिट है, आप उसे $50 में भी सेल आउट कर रहे हो, तो लोग खुशी खुशी ले लेंगे क्योंकि उनका पैसा वहीं पर डबल हो रहा है जिनको सर्वर्स की रिक्वायरमेंट है जो डेवलपमेंट साइड में, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तभी एकदम से फेच ने अपना यहाँ पर ब्रेक करा रेजिस्टेंस लेवल, और उसके बाद ये अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। मतलब हर वीक ये अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पर तोड़ते जा रहा है, तोड़ते जा रहा है, तोड़ते जा रहा है। और एक बार इसके फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात कर लेते हैं, एक बार इसको जाने देते हैं, ठीक है। मैंने आई गेस ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, हो गया शायद, ठीक है। तो अभी भी मैं देखूं तो अभी ये कॉन्टिन्यूस राइज पे है, मुझे पता है अभी तक इसने रिट्रेसमेंट नहीं लिया, लेकिन अगर रिट्रेसमेंट लेता है तो मैं शायद $2 के आसपास एंट्री करने की सोचूं। डेफिनेटली कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट यहाँ तक कि मैं रिट्रेसमेंट अगर वो यहाँ से गिरता है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब मेजर बात पर चलते हैं कि फेच AI $2.85 पर है, $2.3 billion की उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन पहुंच चुकी है, तो अब कितनी और जा सकती है, ठीक है। अगर आप वॉल्यूम की बात कर रहे हो तो $799 million का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, दैट इज 34%, और कल ये फिगर था 53% पे था। तो जब इतना ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा होता है ना, तो वो ट्रेडर्स के लिए तो वरदान हो जाता है कि लिक्विडिटी मार्केट में सडनली इतनी इंक्रीज हो चुकी है कि बाय सेल ऑर्डर्स बिना स्प्रेड के आपके लगभग जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली ट्रेडिंग यहाँ पे धमाकेदार चल रही है। बट अब क्वेश्चन क्या है कि देखो, अगर हम $2.86 में भी लेते हैं और भी हम ये एक्सपेक्ट करें कि यह $10 जा सकता है, तो उसके लिए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर यहाँ पे छोड़ रहे हैं, दैट इज इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $2.4 billion पे अप्रॉक्सीमेट है। तो एक काम करते हैं, जल्दी से coinmarket.com पे चलते हैं और ये चेक करते हैं कि बाकी कॉइन्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है। पहले हम जल्दी से नीचे स्क्रोल करते हैं, कहाँ गया हमारा 50s की लाइन में था, आई गेस फेच है, ये रहा 51, राइट। तो 51 पे इसकी है $2.3 billion और जस्ट जो इसके ऊपर है उसकी है $2.5 billion। ओके, तो जल्दी से और ऊपर चलते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, दैट इज रेंडर। रेंडर की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $4 billion पे है, और अगर मैं अब इससे ऊपर जा रहा हूँ तो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें ग्राफिक कार्ड या AI की इन्वॉल्वमेंट है और जो इतने बड़े मार्केट कैप पर है। क्योंकि अगर मैं अब इन सारे प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ जितने भी इससे रेंडर से ऊपर है, वो कोई भी AI प्रोजेक्ट या कोई भी ग्राफिक कार्ड रिलेटेड प्रोजेक्ट नहीं है। रेंडर आपका ग्राफिक कार्ड रिलेटेड प्रोजेक्ट है, बट इसको छोड़ के जितने भी यहाँ पर और प्रोजेक्ट्स हैं वो ग्राफिक कार्ड वाले नहीं हैं। तो अगर मैं रेंडर की बात करूँ, रेंडर भी एक ऐसा कॉइन है जिसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, बट रेंडर 4 billion की कैपिटलाइजेशन पे है। तो अगर मैं अभी एक बहुत हाई, बहुत सिंपल सिचुएशन ले रहा हूँ कि अगर फेच AI भी इंक्रीज होता है तो $4 billion तक की मार्केट कैपिटलाइजेशन अचीव कर सकता है। उसके ऊपर वो कितना जाता है वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, और शायद हम इस बुल रन में देख सकते हैं, क्योंकि बुल रन तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है। क्योंकि अगर यहाँ से फेच AI क्लाइम करना स्टार्ट करता है, 4 billion तक चला भी जाता है, जितनी रेंडर की कैपिटलाइजेशन है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है, ऑफकोर्स फंडामेंटल्स बहुत अलग हैं, बट अगर मैं सिमिलैरिटीज़ की बात करूँ तो वो रेंडर के साथ है, तो 4 billion की मार्केट कैपिटलाइजेशन वो टच कर सकता है। अगेन, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग, बट अगर वो 4 billion तक टच कर भी देता है तो अब उसके आगे हमें देखना पड़ेगा कि वो कितना और अचीव कर सकते हैं। और अगर वो करता है तो फेच AI सबसे पहला AI प्रोजेक्ट होगा जो कि शायद top 20 या top 10 कॉइन्स में भी आ सके, क्योंकि अभी रेंडर भी 35 पे है। क्योंकि 35 पे भी अगर हम और ऊपर क्लाइम कर रहे हैं तो 20 तक आपकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $6.5 billion टच कर चुकी है। ऑफकोर्स बुल रन नहीं आया है, बुल रन में देखना है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कभी कभार बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी हो जाती हैं, लेकिन बिगर रन में कभी कभार उतनी ही तेजी से गिर भी जाती है। अब इन फार्मर्स वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए तो जल्दी से एक चीज़ कमेंट करके बता दो, क्या आप उन लकी इन्वेस्टर्स में से हो जिसने फेच AI कॉइन खरीद रखा था।
मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हो, दैट इज फेच एआई एक परफेक्ट एग्जांपल है उन लोगों के लिए जो फंडामेंटल्स वाले कॉइन्स खरीदते, क्योंकि आज नहीं तो कल उनकी वैल्यू अप्रिशिएट होती ही होती है। ऑफकोर्स मीम कॉइन्स ऐसे होते हैं जिनमें एकदम से सडन पंप आ जाता है, जस्ट न्यूज सर्कुलेट हुई और वो प्राइजेस भागने स्टार्ट कर जाते हैं, बट फंडामेंटल्स वाले प्रोजेक्ट आई बिलीव वो धीरे चलते हैं, बट अगर वो एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं तो वो काफ़ी ठोस होता है, उसको हिलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मैंने डेफिनेटली अपने फेच एआई 6-7 रुपए में प्रॉफिट बुक कर दिया था, अब मुझे भी थोड़ा रिग्रेट हो रहा है। तो मुझे एक चीज़ जल्दी से बता देना, ये तो बता ही रहे हो कि फेच एआई कॉइन खरीद रखा है या खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे, और क्या आपने भी इसको ऑल टाइम हाई से पहले बेचा था जैसे मैंने बेचा था? ऑडियो इनफार्मर्स, अब आज के एपिसोड में बस इतने ही। वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके तो बिना लाइक करे बगैर नहीं जाना, और ऐसी और कंटेंट के लिए फिन फार्म को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।